मायावती हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को कहा गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सुश्री बहन मायावती जी पानी पी पी करके पहले भी समाजवादी पार्टी को इस तरह से कोसती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से दो दो बार उन्होंने गठबंधन किया, 93 में गठबंधन हुआ और उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ। अगर समाजवादी पार्टी के नेता इतने ही बुरे थे तो दो दो बार गठबंधन क्यों? इसलिए ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है और बसपा अगर नहीं शामिल होती है तो इंडिया को झटका नहीं लगेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी शामिल होती है नहीं शामिल होती है, इसका फैसला तो बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी करना है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन में सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, अगर वो आती हैं तो उनका भी स्वागत है, समाजवादी पार्टी उनका भी स्वागत करेगी। अखिलेश जी ने कहा कि उनको प्रधानमंत्री हम बनाना चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव का गठबंधन सपा बसपा का ये बताता है कि अखिलेश यादव जी ने झुक करके सुश्री बहन मायावती जी के सम्मान में बसपा से हाथ मिलाया था, यहां तक कि मनचाही सीटें भी सुश्री बहन मायावती ने ली थी और उसी का परिणाम था कि वो 10 सीट जीतने में सफल हुई जबकि समाजवादी पार्टी मात्र 5 पर सफल हुई, और अंत में आरोप भी उल्टा उन्होंने सपा पर लगाया था। लेकिन इसके बावजूद अभी भी समाजवादी पार्टी पुराने मामले को भूल करके उनका स्वागत के लिए तैयार है, अगर गठबंधन में आती है तो उनका स्वागत। मनाने जाएंगे? भाई, मनाने की तो बात इसलिए नहीं उठती, जब सबके लिए दरवाजे खुले हैं, वो भी एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो खुद राजनीतिक गुड़ा भाग जानती हैं, इसलिए उन मनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हम समझते हैं कि समय रहते वो कोई न कोई सकारात्मक फैसला लेंगे। आइन वक्त पे इस तरह से जिस तरह मुकरी हैं, क्या लगता है ईडी सीबीआई का कुछ तो नहीं मामला है? अब इसका उत्तर तो सुश्री बहन मायावती दे सकती है, हम कैसे दे सकते हैं।